राजधानी भोपाल के क्रमांक 25 में 1,11,00,000 रुपए की लागत का भूमि पूजन किया गया, जिसमें सड़क सहित अन्य कार्य हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबदानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहती है, वह विकास के कार्य करती है, जनता की सेवा करती है। यहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह विकास हुआ है। एक दूसरे के पर्याय हैं, जहाँ विकास है वहाँ भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लेकर के जो अभियान चल रहा है, इसमें विकास के काम भी आज हमारे वार्ड नंबर 25 के पार्षद श्री जगदीश यादव जी ने यहाँ के रोड निर्माण सहित 1,11,00,000 रुपए की राशि से यहाँ पर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी और निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी भी उपस्थित थे। अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में रहेगी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद हो, निश्चित रूप से जनता के कामों को करना, उनके दुख दर्द को कम करना, विकास के काम करना, क्षेत्र को उन्नत बनाना, ये हमारी प्राथमिकता में रहता है। इसी आधार पर आज जहां पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन मिला, देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कितने नए लाभार्थी, नए जो आवेदन आए हैं, अपने आप में ये बताते हैं कि उनको, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था, जिनको जानकारी नहीं थी उनको जानकारी भी मिली और उन्होंने अपने आवेदन भी प्रस्तुत किए। और मध्य प्रदेश में भी लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा आगे बढ़ रही है और देश में सबसे आगे मध्य प्रदेश चल रहा है। भोपाल में भी हमारी सभी नगर निगम के क्षेत्र में वार्डो में यात्रा है, दक्षिण पश्चिम की आज ये 6वीं यात्रा है। 6 वार्ड और 6-6 इनमें भी होकर के 25 जनवरी तक हम इस काम को पूरा करेंगे। कोई भी एक जो ऐसा हितग्राही है जिसको उसकी किसी पात्रता के अंतर्गत आता है, उसको लाभ मिलना चाहिए, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता लगे हैं।